हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल शास्त्र वी आर कंटिन्यूइंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज दिस इज पार्ट 10 सो लेट्स गेट स्टार्टेड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करता है इन इंग्लिश हु टॉक्स अबाउट रोल्स इन वर्च्यू ऑफ सोशल रिलेशनशिप ए ए आर रेडक्लिफ ब्राउन बी आर के मर्टन सी एस एफ नेडेल एंड फोर्थ इज

क्स्ट क्वेश्चन so, is, ethnography. Ethnography is है हमारा दुर्ग्य के प्रकार के केंद्र में सामाजिक संगठन के किन रूपों के बीच विभेद था पहला सामान्य और व्याधिकीय दूसरा सामान्य और स्वस्थ

मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है ये मर्टन के हमें चार पॉइंट्स दे रखे हैं इनमें से हमें इनको काल क्रम में लगाना है नव प्रवर्तन पशुगमनवाद कर्मकांडवाद विद्रोह अब इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है इन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू मर्टन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन सीक्वेंस इनोवेशन

मार्क्स के अनुसार जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंदात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसका परिणाम होता है स्वयं में वर्ग श्रम विभाजन स्वयं के लिए वर्ग नेतृत्व का विकास इन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू मार्क्स पीपल बिकम अवेयर ऑफ देयर कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन विद अदर क्लासेज देन इट रिजल्ट इन टू क्लासेस इन इट सेल्फ डिविजन ऑफ लेबर क्लास फॉर इट सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप

थर्ड दर कईम फोर्थ इज एलेक्सेंडर सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समान भूमिका हितों के साथ श्रेणियों के पदधारकों के समूह को कहा जाता है हित समूह संघर्ष समूह अर्ध समूह या प्राथमिक समूह इन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू डेरेंट ऑफ द एग्रीगेट ऑफ इनकम विद आईडेंटिकल रोल ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज द इंटरेस्ट ग्रुप

इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि ये मैंने आपको करवाया हुआ है। ऐतिहासिक भौतिकवाद मीन्स हमारा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म प्रत्यक्षवाद इज पॉजिटिविज्म लास्ट इज अप्रत्यक्षवाद मीन्स इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट वर्स इज गिवन बाय

जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यकरण को भी संभव करता है का विचार प्रस्तुत किया है इन इंग्लिश हुटोरिकल अप्रोच दैट ऑल्सो मेक्स पॉसिबल जनरलाइजेशन अबाउट प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज ऑप्शन ए सी एचकार ऑप्शन बी मैक्स वेबर ऑप्शन थ्री ए जे and एंड ऑप्शन is इज Marx. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैक्स वेबर मैक्स वेबर टॉक्स अबाउट हिस्टोरिकल अप्रोच

That suggests no relationship among the variables. Selected under study is known as conflict hypothesis, comfort hypothesis, null hypothesis, and contrary hypothesis. So, the correct answer of this question is null hypothesis. In Hindi, that is amanya parikalpana Next question है हमारा. निम्नलिखित में से किसने ये कहा? मैंने असहभागी रूप में शोध आरंभ किया. जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकार्य हो गया, मैंने स्वयं को गैर-प्रयक्षक सहभागी बनता पाया. In English.

हमें रीजन और बताना है, है। रहा गुणात्मक पद्धतियों की बहुता विश्वसनीयता के वही मानक पूरे करने में विफल रहने के लिए आलोचना की जाती है क्योंकि गुणात्मक पद्धतियों में आंकड़ों के संग्रह के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाएं यथा तथ्य और सटीक होती हैं। इन इंग्लिश क्वालिटेटिव मेथड्स

थर्ड बिकॉज एर जो है वो गलत है एम सही है, so, last question है हमारा समकालीन एन एस एस ओ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वालों की सबसे अधिक प्रतिशतता किस धार्मिक समूह में है इन इंग्लिश विच रिलीजियस ग्रुप विच रिलीजियस ग्रुप हैज दाइएस्ट परसेंटेज ऑफ ड्रग यूजर्स इन इंडिया एज रिस ऑप्शन ए है हमारा ऑप्शन बी है हमारा ईसाई यानी कि क्रिस्चियस ऑप्शन थर्ड है हमारा हिंदू ऑप्शन फोर्थ इज बुद्धिस्ट सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर टू दैट सेट फॉर टूडे आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द बेलाइकन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद येंड्स एंड फैमिली टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ थैंक यू